हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सबको कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु रविदास जी की जो जयंती है वो हर बार हम अलग तारीख को क्यों मनाते हैं, उनकी जो है जयंती की तारीख हर बार अलग क्यों होती है। इस बारे में जो है बहुत सी बातें कही और सुनी जाती हैं। जो प्रामाणिक बातें हैं वो मैं आपके साथ जो है साझा करना चाहूँगी। वो ये है कि गुरु महाराज की जो जयंती है वो उसके बारे में हम जो दोहा सुनते हैं वो ये है कि 1433 की माघ सुदी पंद्रास दुखियों के कल्याण हिते प्रकटे श्री गुरु रविदास। तो इस दोहे के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये जो है इनका जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था। माघ पूर्णिमा को हम विक्रमी संवत के हिसाब से देखते हैं। विक्रमी संवत जो कैलेंडर है वो भारतीय कैलेंडर है और पहले चलन में था, लेकिन अब जब जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं वो है कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में जो कैलेंडर चलन में आया है उसको हम ग्रीगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, और जिसके अंदर की जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये वाले महीने होते हैं, वो उसको हम ग्रीगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद में चलन में आया है और अब तक जो है कैलेंडर यही चल रहा है और इसी के अंदर जो है तारीखें जो पड़ती हैं। तो विक्रमी संवत माघ पूर्णिमा के हिसाब से जो भी जो है तारीख है उसके साथ ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ मैच की जाती है, और उस के अकॉर्डिंगली जो भी डेट जो भी तारीख सामने आती है उसको जो है गुरु महाराज की जो है पूर्णिमा सॉरी गुरु महाराज की जयंती के रूप में हम मनाते हैं हर बार। जो कि अब की बार जयंती 24 फरवरी को थी, आप सबने ही बहुत ही और हमने भी बहुत ही धूमधाम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ गुरु महाराज की जयंती को मनाया है। आशा करूंगी कि गुरु महाराज आप सबको ब्लेस करें, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुनी सुनाई बातों को ना मान करके अच्छी और प्रामाणिक बातें माने, और अपने आने वाले जो है बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं, लेकिन प्रामाणिक बातें बताएं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विशाल है, उनके बारे में सच बातें कम और झूठ बातें ज़्यादा जो है हमें बताई गई हैं, इसीलिए उनको जो है उनके इतिहास को अच्छे से जाने। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।